जय जिनेंद्र, अर्चना की जैन रसोई में आपका स्वागत है। मैदे की पापड़ी आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनी मेथी वाली क्रिस्पी, क्रंची और एकदम पतली पतली पापड़ी। तो रेसिपी पसंद आने पर इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। एक ही मेथी वाली पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आटा लिया है 1.5 कप, गेहूं का आटा है ये। उसके बाद में 1 कप ली है फ्रेश मेथी, जिसे मैंने 2 पानी में अच्छा सा धो लिया है। 2 टेबलस्पून सूजी चाहिए हमें, 1 टीस्पून कैरम सीड्स यानी के अजवाइन है ये। स्वाद अनुसार नमक यूज करेंगे, तो लगभग 1 टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद में हमने 1.5 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये चिली फ्लेक्स है। चिली को मैंने हल्का सा भूनकर इसे दरदरा क्रश पीस लिया है मिक्सी जार में। अब सबसे पहले हमें मेथी को अच्छे से बारीक बारीक चॉप करना है, और इसे मैंने 2 पानी में पहले ही धो लिया था, और अब इसे चॉप करेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी काटने से पहले ही धोनी चाहिए, नहीं तो उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी में निकल जाते हैं। देखिए, मेथी को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हमें इसे थोड़ा सा कुक करना है, तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून ऑयल, और अब इसे गर्म होने देते हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मेथी ऐड करूंगी, और आपने देखा कि मैंने इसमें ना ही तो जीरा ऐड किया है ना ही तो सरसों। जस्ट हमें मेथी को श्रिंक करना है, तो इसे सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, और हम इसमें नमक भी ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें आटे में नमक मिलाकर उसका डो लगाना है। अब सेम बाउल में हमें पापड़ी का आटा लगाना है, तो मैंने इसमें ऐड किया है गेहूं का आटा। नेक्स्ट इसमें जाएगा सूजी यानी के रवा। तो रवा ऐड करने से क्या होगा कि हमारी जो पापड़ी है अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। अब इसमें जाएगी अजवाइन, जिसे मैंने हाथों पर थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसके बाद में हमें जीरा ऐड करना है, और चिली फ्लेक्स, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्ची को मैंने जस्ट थोड़ा सा भून लिया था, और उसे दरदरा पीसकर अब इसमें ऐड किया है। अब 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, तो लगभग मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करूंगी, और अब सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी कुक की हुई मेथी। आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर मेथी को कुक क्यों किया है, तो मेथी कुक करने से वो सॉफ्ट हो जाती है, और क्योंकि हमें पापड़ी एकदम पतली पतली बेलनी है, तो मेथी अगर कच्ची यूज करेंगे तो पापड़ी फट सकती है और बेलने में भी दिक्कत आ जाएगी। अब सभी चीजों को फिर से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सख्त डो बनाना है। इसका जो डो है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सख्त आटा लगा लिया है, और थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके ऊपर डालकर अब फिर से इसे क्या करूंगी, थोड़ा सा मसल मसल के चिकना कर लेती हूँ, और इसे सेट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो आटा हमारा सेट हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा मसल लूंगी ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। अब क्या करेंगे कि आटे को हमें डिवाइड करना है इसकी लोइयां तोड़कर, तो 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है, और अब एक एक पार्ट लेकर हम इसे एकदम पतला पतला बेल लेंगे। चलिए, अब एक एक लोई को आटे में थोड़ा सा डस्ट करते हुए इसे एकदम पतला पतला बेलना है हमें। सभी पापड़ी को इसी तरह से लोइयों को बेलकर हम तैयार कर लेंगे, और उसके बाद में एक साथ ही सभी पापड़ियों को फ्राई करेंगे। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पापड़ी को मैंने एकदम पतला बेल लिया है। अब क्या करेंगे कि सभी पापड़ी हमें एक साइज में काटनी है, तो आप इस तरह की कोई भी कटोरी या कटर का यूज करके पापड़ी को तैयार कर सकते हैं, देखिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर डिजाइन का कटर है स्क्वायर साइज का, तो उसका यूज करके अब मैं सभी पापड़ी को निकाल लेती हूँ इस तरह से। और आप यहाँ पर डायमंड शेप में भी इसे काट सकते हैं, ऐसे ही चाकू से कट लगाकर, या फिर लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं।
तो सभी पापड़ियों को मैंने अब कट्स लगा लिए हैं और अब इसे निकाल लेते हैं। और एक पापड़ी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया से लग रही है डिजाइन में, और बच्चे भी ऐसे डिजाइन वाली चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो पसंद से खाएंगे भी इसे। तो अब मैं सभी पापड़ियाँ निकाल लेती हूँ और अब हमें बची हुई लोइयों को भी इसी तरह से बेल कर सभी पापड़ियाँ इसी तरह से काट कर तैयार करनी है। और इन पापड़ियों को एक बार बनाकर आप 10 से 15 दिनों तक भी स्टोर करके खा सकते हैं, चाहे तो इसे अगर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ में भी लेकर जा सकते हैं। इसका ना ही तो टेस्ट बदलेगा ना ही तो ये खराब होंगी। चलिए अब इन बचे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाकर इसकी एक लोई बनाकर सभी पापड़ियाँ इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो पापड़ियाँ हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मेथी की मात्रा को थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि मेथी में थोड़ा सा कड़वापन होता है तो पापड़ी में भी थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है तो बच्चे इसे खाने में हिचकिचाएंगे। तो मेथी की मात्रा को कम करके आप इन पापड़ियों को बना सकते हैं। अब इन पापड़ियों को हमें ऐसे ही फ्राई नहीं करना है, तो फोर्क या फिर चाकू का यूज करके इसे इस तरह से प्रिक करना है हमें, ताकि ये जो पापड़ियाँ हैं ऑयल में फूलने ना पाए। तो सभी पापड़ियाँ हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है इसे फ्राई करने के लिए। अब ऑयल अच्छे से हीटअप हो गया है तो एट अ टाइम जितनी पापड़ियाँ कढ़ाई में आएंगी उतने डालकर इन्हें हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और मीडियम हाई फ्लेम पर हमें पापड़ियों को फ्राई करना है, इन्हें ज्यादा लाल भी नहीं होने देना है। अब इन पापड़ियों को दो तीन बार उलट पुलट करके हमें हाई मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए। अब हमारी जो पापड़ी है लाइट गोल्डन कलर पर अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची, तो इसे निकाल लेते हैं। और आपने देखा कि हमने इसे बिल्कुल भी डार्क नहीं किया है, नहीं तो पहले ही हमने इसमें मेथी ऐड की हुई है और अगर इसे ज्यादा फ्राई करते हैं तो इन पापड़ियों में कड़वापन आ सकता है, तो इसे लाइट ब्राउन कलर पर ही हमें फ्राई करना है। सो गाइस, अब बची हुई पापड़ियां भी मैं इसी तरह से लाइट गोल्डन कलर पर क्रिस्पी क्रंची होने तक फ्राई कर लेती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो खत्म होने से पहले इसे एक लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। सभी पापड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर जरूर शेयर करिए। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।